अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफएसआईटी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसीबी के अहदेदारों ने निजामबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की नकद रकम जब्त कर ली। एसीबी अहदेदारों ने निजामबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहायशगाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासजात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर यह धावा किया गया, जिसमें उनकी आमदनी के जराये से कहीं ज्यादा असासों का इंकशाफ हुआ। तलाशी के दौरान एसीबी ने उनके घर में 2.93 करोड़ की नकद रकम, बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, उसकी बीवी और उसकी माँ के अकाउंट में 1.10 करोड़ रुपये और 51 तोले सोना और 17 गैर मनकुला जायदादें जिनकी मालियत 1.98 करोड़ रुपए बताई गई है जब्त कर ली गई। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6.07 करोड़ रुपए बताई गई है। मकान की अलमारियों में 500 रुपए के कई बंडल्स बरामद हुए, जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस धावे के बाद नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।